वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसको हम हल करवाएंगे, और इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका आपको डबल फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यही क्वेश्चंस हिंदी में भी पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें से ऐसे हैं जो संस्कृत में भी पूछे जाते हैं, और ख़ासकर टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो देखिए, इसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण की परिभाषा भी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि भाषा की ऐसी सबसे छोटी मूलधन जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, उसको क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो इसलिए इसमें वर्ण सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, वर्णमाला, यानी कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो देखिए, यहाँ पहला ऑप्शन है शब्द समूह को, फिर वर्णों के संकलन को, फिर तीसरा ऑप्शन है शब्द गणना को, चौथा ऑप्शन है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो यहाँ पर देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है फिर, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ कौन सी, यानी कि इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो देखिए, आकुह विसर्जनिया नाम कंठः, इसके लिए फार्मूला एक है, कंठ यानी कि कंठ किन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। तो आकुह विसर्जनिया नाम कंठः, यानी देखिए आ और का वर्ग आता है, यानी कि का वर्ग के जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ का वर्ग का और खा, ये दो वर्ण का वर्ग के हैं, बाकी तो कोई इसमें का वर्ण है नहीं, इसलिए यही इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, यानी कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। यहाँ आपको बताना है कि यानी कि कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो यहाँ पर देखिए, ऋतु रसाड़ाम मूर्धा, इसके लिए एक फार्मूला बना है, ऋतु रसाड़ाम मूर्धा, यानी कि ऋतु यानी री और टा वर्ग। तो यहाँ टा वर्ग के वर्ण देखिए कौन से हैं? टा ठ डा ढा, यानी डा ढा, देखिए ये वर्ण आ रहे हैं, इसका मतलब यही इसका सही जो है ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पांच नंबर, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण आप लोगों को पता होगा। अल्प प्राण का मतलब है जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। इसमें सभी वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें व्यंजन आते हैं। और महाप्राण देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत सभी वर्गों का दूसरा और चौथा व्यंजन आता है। तो देखिए, इसमें पहला और तीसरा और पाँचवा व्यंजन कोई हो तो समझ लीजिए वही अल्प प्राण है। तो यहाँ पर देखिए, ये का और गा, देखिए पहला जो है का वर्ग का ये पहला अक्षर है का, और ये तीसरा अक्षर है गा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? यही ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन यानी कि जिसका नाक से उच्चारण होता हो वो कौन सा व्यंजन है? तो देखिए, सभी वर्गों के पांचवें वर्ण जो होते हैं यानी कि सबसे लास्ट वाले वर्ण होते हैं उन्हीं का उच्चारण स्थान नासिका होता है, यानी कि अंगा, इया, अड़ा, नामा का उच्चारण स्थान जो है वो नासिका होता है। यहाँ पर देखिए, इया वर्ण आया है, तो यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ऐ वर्ण जो है क्या कहलाते हैं? तो देखिए, एदैतो कंठ तालु, इसके लिए फार्मूला एक बना हुआ है उच्चारण स्थान का, एदैतो कंठ तालु, यानी ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ ताल होता है। तो यहाँ पर ये कंठ तालव्य वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए, हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह वर्ण कौन से हैं, यानी कि हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह वर्ण कौन से हैं? तो देखिए, इसमें आयोग वाह वर्ण देखिए अन और आह हैं, क्योंकि अन और आह को ही आयोग वाह वर्ण कहा जाता है, बाकी ऑप्शन इसके गलत हैं, ये अन और आह वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, नौ नंबर है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजन है।
द्वित व्यंजन है, यानी कि वो व्यंजन डबल बार आया हो। तो देखिए यहाँ पर पुनः पहला ऑप्शन है, फिर इलाहाबाद है, दिल्ली है, उत्साह। देखिए यहाँ दिल्ली शब्द ऐसा है, देखिए इसमें डबल बार व्यंजन, द्वित व्यंजन यानी ला, देखिए डबल बार आया है, तो ये हमारा हो जाएगा द्वित व्यंजन। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, सा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो देखिए सा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन, क्योंकि देखिए इसमें जो है रगड़ के साथ में जो है गर्म हवा निकलती है, इनको ऊष्म व्यंजन भी, अगर यहाँ पर ऑप्शन में ऊष्म व्यंजन होता तो ऊष्म व्यंजन भी कहा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर घर्षण के साथ में यानी कि इनके उच्चारण में घर्षण के साथ में जो है गर्म वायु निकलती है, इसलिए इनको संघर्षी जो है व्यंजन भी कहते हैं और ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऊष्म व्यंजन तो ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पर संघर्षी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो यहाँ पर देखिए ख और ग, देखिए इनके यहाँ पर देखिए बिंदी लगी हुई है और यही जो है नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं, बाकी तो सब ऐसे साधारण जो है वर्ण दिए गए हैं, तो ये जो है नवीन विकसित ध्वनियाँ, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। देखिए घोष और अघोष वर्ण किसे कहते हैं, तो देखिए जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उन्हें क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं, यानी कि हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं, और सघोष या घोष वर्ण किन्हें कहते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उन्हें क्या कहते हैं, सघोष या घोष वर्ण कहते हैं, यानी कि इसमें देखिए हर वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा व्यंजन आता है। तो देखिए यहाँ लिखा है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, तो यहाँ पर देखिए मा वर्ण हो जाएगा। देखिए मा क्यों होगा, क्योंकि बताया गया है कि घोष वर्णों में सभी वर्णों के तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण आते हैं, तो देखिए ये जो है माँ जो है वो पांचवा वर्ण है, इसलिए यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, कौन सा अमानक वर्ण है। देखिए कौन सा अमानक वर्ण है, देखिए जितने भी वर्ण हम पढ़ते हैं वो सभी मानक के हिसाब से सही माने जाते हैं, और यहाँ पर देखिए एक ये जो अक्षर है ये थोड़ा अलग टाइप का बना हुआ है जो हम लोगों को बहुत कम देखने को मिलता है, हालांकि पहले रामायण में देखने को मिलता था लेकिन अब इसका जो है प्रयोग बहुत कम किया जाता है, तो यही अमानक वर्ण के अंतर्गत आएगा, बाकी तो सब साधारण जो है वर्ण दिए गए हैं। उसके बाद फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं, यानी कि ये किस भाषा की हैं। तो देखिए ना तो ये संस्कृत की हैं और ना अंग्रेजी की हैं, दक्षिणी भाषाओं की भी नहीं, यहाँ पर अरबी और फारसी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर देखिए हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर देखिए मूलतः वर्णों की संख्या होती है 52, यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे देखिए, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, यानी कि छा जो ध्वनि होती है ये किसके अंतर्गत आती है, तो यहाँ पर देखिए मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य वर्ण। तो देखिए यहाँ पर संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, छात्र ज्ञा और सरा ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं वर्ण। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो यहाँ पर देखिए छ वर्ण जो है ये का और सा से मिलकर के बना है, इसलिए इसका जो है हिंदी शब्दकोश में जो है का के बाद ही इसका क्रम आएगा। यहाँ पर छ त्र ग्या ये जो वर्ण दिए हुए हैं, त्र और ग्या, उसके जो है छ के बाद में ये वर्ण खुद आते हैं, तो इसीलिए इसका जो है का के बाद इसका जो है क्रम आएगा हिंदी शब्दकोश में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो देखिए ज्ञा वर्ण जो होता है वो जा और इया वर्ण के
जो है योग से बनता है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जा पूरा दिया हुआ है, ये ऑप्शन इसका गलत है। यहाँ पर देखिए हलंत वाला जो जा है ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पर आधा जा दिया होता है, यानी कि इसमें स्वर वर्ण मिश्रित नहीं होता। यहाँ पर जा और नीचे हलंत लगा हुआ है, उसके बाद इया, यानी कि ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, अघोष वर्ण कौन सा है? तो देखिए अघोष की परिभाषा भी आप लोगों को बताई गई थी कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उन्हें क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। यानी कि हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष वर्ण होता है, लेकिन यहाँ पर पहला और दूसरा जो है वर्ग का अक्षर कोई यहाँ पर नहीं है। देखिए इसमें सा वर्ण जो है वो जो है अघोष वर्ण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जो तीनों सा यानी कि तालब्य सा, दंती सा और मूर्धन्य सा, ये तीनों सा जो होते हैं वो अघोष वर्ण कहलाते हैं, और जो हा होता है वो सघोष वर्ण होता है। तो यहाँ पर ये दंती सा है, इसका जो है ये अघोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? यानी घा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि किस वर्ग में आता है, तो आता है का ख ग घ, यानी कि का वर्ग में आता है। तो का वर्ग देखेंगे किस फार्मूले में आता है, तो अकुह विसर्जनिया नाम कंठा है, इसके लिए फार्मूला बना है अकुह विसर्जनिया नाम कंठा। तो यहाँ पर देखिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन देखिए छात्र ग्यास्रा ये वर्ण होते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये वर्ण तीन जो दिए हैं ये तो होंगे नहीं, इसका मतलब ये क्या होगा? छात्र ग्या, यहाँ पर ग्या देखिए आया है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो देखिए इसके लिए फार्मूला है एक लृत लसा नाम दंता। तो देखिए लृत लसा नाम दंता यानी कि लृ ता वर्ग ला और दंतीशा इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूछा गया कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, तो देखिए ता वर्ग के सभी वर्ण जो है दंत के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ ता था द धा ना यानी कि ये तीनों तो ता वर्ग के हो गए, और यहाँ पर टा देखिए जो है ता वर्ग का नहीं, इसका मतलब यही इसका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए उन्हें कहते हैं अकारांत, यानी कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अकारांत। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, छा वर्ण किसके योग से बना है? तो देखिए का और सा पहले भी आप लोगों को हम बता चुके हैं, तो ये का और सा के योग से बना है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में देखिए स्वरों की कुल संख्या 13 होती है। देखिए यहाँ स्वर वर्णों में हमेशा जो है स्टूडेंट का कंफ्यूजन बना रहता है कि स्वर वर्णों की संख्या हम 11 लिखें कि 13 लिखें। तो यहाँ पर देखिए स्वर वर्णों की संख्या अगर पूछा जाए कि कुल संख्या कितनी है तो आपको 13 लिखना है, अगर पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है तो आपको 11 लिखना है। तो यहाँ पर अगर दोनों में से अगर एक ऑप्शन दिया है तब तो अच्छी बात है, अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं तो यहाँ पर हमको कुल शब्द को देखना है। अगर यहाँ पर कुल शब्द दिया है तो आपको 13 पर टिक करना है, और अगर कुल नहीं दिया है केवल दिया है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है तो आपको 11 लिखना है, अगर दिया है कुल संख्या कितनी है तो आपको 13 लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो आपको यहाँ पर देखना है छोटा आ स्वर है, छोटा ऊ भी स्वर है, ए भी स्वर है, यहाँ पर इया जो है वो स्वर नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? तो देखिए टा ठा ड ढा अड़ा, यहाँ पर घा एक ऐसा है जो टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए,
हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। देखिए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, ये भी एक कन्फ्यूजन वाला सवाल है और हमेशा जो है स्टूडेंट्स के मन में डाउट बना रहता है, तो इसको भी क्लियर कर लीजिए। वही जो आगे जो है स्वर के लिए बताए हैं कि कुल शब्द को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आपको 35 लिखना है, अगर पूछा जाए व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आपको 33 लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछी गई तो आपको 33 पर टिक करना है, और अगर पूछा जाता हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है तो उसमें अगर 35 ऑप्शन होगा तो 35 पर टिक करना है, 35 ऑप्शन ना हो तो भले ही 33 पर टिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है। तो देखिए पश्च स्वर और अग्र स्वर आप लोगों को पता होंगे, यानी कि छोटा आ और बड़ा आ, देखिए ये दोनों समान स्वर हैं, यानी कि छोटा आ जो होता है वो अग्र स्वर है और बड़ा आ है वो पश्च स्वर है। छोटी ई अग्र स्वर है और बड़ी ई पश्च स्वर है, और यहाँ पर देखिए जा और ढा दिया तो ये तो ऑप्शन मान लो गलत ही हैं, और यहाँ पर देखिए छोटी ई जो है वो अग्रसर है और यहाँ पर जो है बड़ा आ जो होगा वो पश्च स्वर होगा, यानी छोटा आ के बाद में आता है तो ये बड़ा आ जो है वो पश्च स्वर है, और बाकी ये दोनों ऑप्शन जो हैं ये तो व्यंजन ही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन आयोग वाह है। आयोग वाह देखिए विसर्ग जो होता है वो आयोग वाह वर्ण कहा जाता है, अनुस्वार और विसर्ग यानी अन और आह ये दोनों आयोग वाह कहे जाते हैं, तो यहाँ पर अनुस्वार मान लो ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पर विसर्ग दिया है इसलिए इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, यानी छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है तो सबसे पहले इसको देखेंगे किस वर्ग में पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए चा छा यानी कि चा वर्ग में पड़ेगा, तो चा वर्ग के लिए देखिए कौन सा फार्मूला बना है, इचुह यसाराम तालु, इचुह यसाराम तालु यानी इसका उच्चारण स्थान तालव्य हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। यहाँ पर देखिए छा त्राग्या ये तीनों संयुक्त व्यंजन हैं और सा इसका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है देखिए 33 नंबर तालव्य व्यंजन कौन से हैं, तो देखेंगे यहाँ पर यानी कि किन वर्णों का उच्चारण स्थान ताल होगा ये हमें देखना है। देखिए इसके लिए फार्मूला बना है इचुह यसाराम तालु, यानी इचुह कहा गया यानी कि ई और चा वर्ग इसके अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर देखिए चा वर्ग जो होगा चा छा जा झा यानी कि ये जो है वर्ण इनका उच्चारण स्थान ताल होता है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन हैं, तो देखिए इसका ऑप्शन अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा क्योंकि ये स्वर और व्यंजन वर्णों के बीच में होते हैं इसीलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। या रा ला वा ये जो वर्ण है ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है अनुनासिक का संबंध होता है, यानी कि अनुनासिक का संबंध किससे होता है, तो देखिए केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं, देखिए इसका संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुनासिक वर्ण जो है सभी वर्गों के पांचवें वर्ण जो होते हैं यानी कि लास्ट वाले जो वर्ण होते हैं अंगा इया अड़ानामा इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है, लेकिन नासिका जो है ये अनुनासिक वर्ण भी कहे जाते हैं यानी कि इनका उच्चारण स्थान नाक और मुंह दोनों से होता है, केवल नाक से उच्चारण नहीं किया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर नाक और मुंह दोनों वाला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 36 नंबर अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो अभी आप लोगों को हम बता भी चुके हैं यानी कि सभी वर्गों के जो पांचवें अक्षर होते हैं यानी कि सबसे लास्ट वाले वह अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं, यानी कि अंगा इया अड़ा नामा जो ये वर्ण होते हैं अनुनासिक वर्ण होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है, तो आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं जब कुल लिखा हो तो कुल में आपको 13 ऑप्शन
पर टिक करना है, और जब लिखा हो स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आपको 11 पर टिक करना है। देखिए यहाँ पर अभी आपको पहले क्वेश्चन वो मिल भी चुका है, उसमें लिखा था कुल स्वरों की संख्या कितने, तो वहाँ पर आपको 13 ऑप्शन पर टिक करना था। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आपको 11 ऑप्शन पर टिक करना है। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा जो है स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसीलिए हम इसको क्लियर करा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, तो देखिए यहाँ पर इसके लिए कौन सा फार्मूला बना है। देखिए उदौतो कंठोष्ठम, उदौतो कंठोष्ठम यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है, तो यहाँ पर देखिए ओ तो कहीं आया नहीं है, यहाँ पर औ वर्ण देखिए यहाँ पर आया है, यानी कि पूरा और लिखा है, लेकिन यहाँ र से हमारा मतलब नहीं है, यहाँ अ जो है उसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है, इसीलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ओ और अ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है, उदौतो कंठोष्ठम इसके लिए फार्मूला बना हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, यानी कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम देखिए क्या है। यहाँ पर सबसे पहले ध्वनियों का निर्माण हुआ, और उसके बाद ध्वनियों से फिर शब्द बने, और शब्द से फिर पद, और पदों को मिला करके फिर वाक्य बने, तो इसलिए इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, ध्वनि शब्द पद और वाक्य। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है, तो इसका देखिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर उच्चारण स्थान के फार्मूले से यहाँ पर इसको आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए उच्चारण स्थान के फार्मूले होते हैं अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, यानी कि पहला आपका कंठ मिल जाएगा, दूसरा इच्छुह यसाराम तालुह ऋतु रसाराम मूर्धा, देखिए मूर्धा को ही वर्तस्य कहा जाता है, तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर वर्तस्य हो जाएगा। फिर देखिए अकुह विसर्जन नाम कंठा इचु रसाराम तालु ऋतु रसाराम मूर्धा लित लसा नाम दंता उपु पद्मनिया नाम ओष्ठो, देखिए इसका ये ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, तो देखिए प्रयत्न के आधार पर ला पार्श्विक वर्ण माना जाता है। देखिए पार्श्विक वर्ण का मतलब है कि जो हवा होती है वो जीभ के बगल से निकलती है, और इसी में हम आप लोगों को बता दें रा एक वर्ण होता है जिसको लुंठित वर्ण बोलते हैं, जिसके उच्चारण में जीभ ताल से लुढ़क कर स्पर्श करे तो उसे लुंठित वर्ण बोलते हैं, इसके अंतर्गत रा आता है और ला को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद।